तो हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ अलग प्रकार की ही बात करने वाले हैं कि आप फ्लिपकार्ट में अपनी जो डिलीवरी की डेट है, मतलब प्रोडक्ट जब आपका आना है तो उस डेट को आप बदल या बढ़ा कैसे सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को कम्प्लीट ही पूरा देखना और एक भी पार्ट मिस मत करना ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो और भी आगे आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फ्लिपकार्ट में आने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। अब डायरेक्ट हम उसी ऑर्डर पर ले जाते हैं जिसकी डेट मेरे को बढ़ाना है, तो उसी हम वहीं डायरेक्ट चल के आपको आगे की बात बताते हैं। तो देखिए, आपके सामने ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहता है। तो आपको अपने अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ आपके जो है ऑर्डर वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इस ऑर्डर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके यहाँ जब से भी आपने शॉपिंग की होगी, ये जौन सा ही प्रोडक्ट ऑर्डर किया होगा वो आपके यहाँ शो होगा। तो चलिए देखिए, मैंने एक मोबाइल जो है रेडमी 10, इसको मैंने बाय नो किया था, मतलब मंगवाया था, बुक किया था। तो इसकी डेट मेरे को बढ़ाना है किसी भी कारण से, मैं उस डेट को, जिस डेट को ये आ रहा है उसी डेट को मैं कहीं जा रहा हूँ या कुछ काम वगैरह, तो इसकी डेट हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं, आप पहले यहाँ उसकी जो डेट है, आप इस प्रोडक्ट की डेट देख सकते हैं इस तरीके से। इसको पूरा करके देखिए, आज किया रहा और 21 तारीख को बता रहा है, इस 21 अक्टूबर तक ये हमारा जो है प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हमें 21, मान लो कि 21 तारीख को हमें कुछ काम है या हम किसी मतलब काम में फंसे हुए हैं, जो ये प्रोडक्ट हम 21 तारीख को मतलब 21 डेट को इस प्रोडक्ट को हम नहीं ले सकते, तो इसकी डेट किस तरीके से बढ़ाना है? तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बैक कर देना है इस तरीके से। बैक करने के बाद दोस्तों, ये होता भी है कि नहीं होता? तो दोस्तों, ये होता है, मैंने कई बार भी किया है, बहुत बार किया है, मैं कई प्रोडक्ट की डेट बढ़वा चुका हूँ। तो आपको सिंपल से क्या करना है, नीड हेल्प जहाँ लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है इस तरीके से। इस तरीके से क्लिक करने में नीड हेल्प से क्या होगा दोस्तों, कि आपकी बात जो है फ्लिपकार्ट के कस्टमर से बात आपकी जो है होने लगी। आप यहाँ उस प्रोडक्ट के बारे में इनसे बता कर और अपनी जो भी आपको प्रॉब्लम है कि इस डेट को हम अपने घर में या होम में नहीं मिलेंगे, तो आप इस प्रोडक्ट की जो है आप डेट बढ़ा दीजिए, एक दो दिन बात कर दीजिए, तो वो लोग इसका प्रॉब्लम जो है आपकी, इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैंने भी कई बार किया है। तो आपको इस तरीके से यहाँ देखिए कि डिलीवरी, ये आपको जो से प्रोडक्ट है तो आपको इस पर क्लिक करना है इस तरीके से, और डिलीवरी फिर वो लोग खुद बताएंगे। और आप यदि कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, उनका कॉल आएगा तो आप उन्हें अपनी समस्या बता सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमारी जो डिलीवरी डेट है उसको आप या तो बढ़ा दीजिए या तो आगे कर दीजिए, तो वो लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करते हैं। मैंने गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ऐसा मैंने करा भी है, और ये जो है ट्रिक बहुत अच्छी है, इस ये बहुत मतलब काम आती है ये ट्रिक। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियो और भी आगे आपको देखने को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।